हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पैसे काम पे लगाओ पर स्वागत करता हूँ। आज हम सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड या SGB क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज मंडे है, आज 20 अप्रैल है। आज के दिन RBI SGB की इशू और सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन की है। तो हम देखेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और ETF और फिजिकल गोल्ड से इन्वेस्टमेंट से कैसे डिफरेंट है, क्या क्या दोनों सब में अंतर है वो भी डिस्कस करेंगे। SGB बेसिकली एक गोल्ड है, ये बॉन्ड है। बॉन्ड बेसिकली होता है क्या है कि एक पेपर होता है, उसमें आपको प्रॉमिस किया जाता है कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सोवेरियन क्या होता है? सोवेरियन होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सोवेरियन गारंटी देती है कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके बदले वो पे करेगी। तो यहाँ पे RBI इशू करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोवेरियन गारंटी देती है। इस प्रोडक्ट पे हमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। ये 2.5% पर एनम है, लेकिन हाफ ईयरली पेमेंट होती है। एंड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ये 8 ईयर्स के लिए इशू आती है। ये मेच्योरिटी इसकी 8 ईयर्स बाद होती है। तो 8 ईयर्स के बाद अगर जब आप सेल करते हो तो अगर मान लो कोई भी कैपिटल गेन होता है तो वो बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्टेड है। कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगता, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, जैसा कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आप 8 ईयर्स तक मेच्योरिटी तक होल्ड करते हो तब नहीं लगता है। इसके और डिटेल्स हम देखेंगे क्या क्या होता है। इस वीडियो से पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि वाई एवरी वन शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड वाई गोल्ड इज़ नोन एज सेफ हेवन। मैंने इसमें फंडामेंटल ऑफ गोल्ड्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन की थी। मैंने बताया था कैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ या फिर जब भी कोई टेंशन होता है, मार्केट डाउन होता है इन्फ्लेशन के कारण, ये सब बहुत सारे रीजन्स बताए थे क्यों हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो से देखने से पहले ये वाले वीडियो देख लें ताकि आप समझ पाओ कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। मैं इस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये अभी इस साल की 2020 की SGB की सब्सक्रिप्शन डेट्स हैं। अभी 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक Series 1 ओपन हो रहा है। ये इसके आपके अलॉटमेंट मिल जाएंगे 28 अप्रैल को, और इसके इशू प्राइस अभी है 4,639 रुपीज़ पर ग्राम। एंड अगर आप ये 20 अप्रैल को ओपन हो रहा है और फ्राइडे की क्लोजिंग जब देखें 17 अप्रैल की, तो MCX पे गोल्ड क्लोज हुआ था 45,684। मीन्स हमें थोड़ा ऊपर के भाव पे मिल रहा है, बट इट्स ओके। हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हुए हैं, क्या है बेसिकली। ये होता क्या है कि गवर्नमेंट जो अलॉटमेंट प्राइस डिसाइड करती है, अब वो 3 बिजनेस डे जो पास्ट के हैं उनके एवरेज प्राइस, सिंपल एवरेज निकाल कर कैलकुलेट करती है। सेल के टाइम भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। जब भी आप सेल करोगे RBI या RBI के पास एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी और आफ्टर 5 ईयर्स आप RBI को दे सकते हो, तो दोनों केस में आपको 4,000 जो भी लास्ट 3 डेज का एवरेज प्राइस होगा, सिंपल एवरेज प्राइस, उस पे ही आपको सेल होगा। लास्ट वाले वीडियो में मैंने एक बहुत ही अच्छा नोट लास्ट में डाला था कि इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज ऑल्सो नोन एज डेड इन्वेस्टमेंट। इसका मैंने बेसिक थोड़ा सा बताया भी था रीज़न, क्योंकि गोल्ड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारे इकोनॉमी को कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं करता एज़ कंपेरिजन टू अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। लाइक हम जब FD कराते हैं तो बैंक को हम पैसा देते हैं, बैंक उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करती है। जब हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वही सीन होता है। इक्विटी में जब IPO आता है, हम जब पैसे देते हैं तो वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज बनते हैं, तो वो GDP में कंट्रीब्यूट करता है। जब भी हम फिजिकल गोल्ड या किसी प्रकार के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ वन टाइम गोल्ड बाय हुआ, उसके बाद वो इकोनॉमी में कोई भी कंट्रीब्यूशन खास नहीं करता, ठीक है? तो इसलिए हम इसे डेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इसी रीज़न के कारण गवर्नमेंट को 2015 में SGB के लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ने SGB स्टार्ट किया था ताकि वो रिड्यूस कर सके इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड। जब भी हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो हमारी इकनॉमी के लिए वो इफ़ेक्ट करता है, हमारी करेंसी को इफ़ेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होती है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक पार्ट ऑफ कल्चर हो गया हमारे हमारे यहाँ दिवाली में, शादी में,
बहुत सारे फेस्टिवल्स में हम गोल्ड एज अ गिफ्ट भी देते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट गोल्ड के इम्पोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा इम्पोर्ट ना करें, SGB के स्कीम को स्टार्ट किया था ताकि इम्पोर्ट कम हो, क्योंकि ये हमारे इकनॉमी को बेनिफिट, ज़्यादा इम्पोर्ट हमारी इकनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। बेसिकली इस बॉन्ड में ना RBI कोई गवर्नमेंट बॉन्ड ये गोल्ड खरीद के रखती है आपके लिए, ना गवर्नमेंट, बस आपको एक बॉन्ड और पेपर मिल जाता है या फिर आपके डीमेट में दिखता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट किए हो, और जो भी प्राइस में मूवमेंट आता है उसका आपको प्रॉफिट एंड लॉस एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी या जब भी आप रिडीम करते हो तो वो एडजस्ट हो जाता है, कैश सेटलमेंट होता है। यहाँ पे कभी भी आपको गोल्ड डिलीवरी नहीं मिलेगी, ये एक बेसिक लिमिटेशन है इस प्रोडक्ट का। बट हम क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें डिलीवरी चाहिए भी नहीं, हमें सोना और रखना भी नहीं है, हम ज्वेलरी अलग खरीदते हैं, तो ज्वेलरी फिजिकल में उसका तो रीज़न ही अलग है। अगर घर में कोई लेडीज़ या कोई भी ज्वेलरी खरीदना चाहता है तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते, वो तो खरीदना ही है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि SGB एक अच्छा प्रोडक्ट है, ETF भी अच्छा प्रोडक्ट है, दोनों डिपेंड करता है आप क्या प्रेफर कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो हम देखते हैं, इस SGB को RBI इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और SGB अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है फिजिकल गोल्ड के। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन SGB क्या है, हम जब SGB में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें बेनिफिट क्या क्या हमें मिलेगा। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि ये RBI इशू कर रही है, और इस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सोवेरियन गारंटी दे रही है, तो ये बिल्कुल भी सेफ है, इसमें कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है आपको। SGB में हमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है पर एनम का, जो कि हाफ ईयरली पेड होता है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है, इसके कारण बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एज़ कंपेरिजन टू अगर हम देखें जब फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ETF में या फिर किसी और प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब हमें कोई भी एज अ इंटरेस्ट या डिविडेंड ऐसा कुछ नहीं मिलता जैसा हमें कंपनियों में मिलता है या फिर FD कराने में मिलता है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन तो मिलता ही है, प्लस आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन एक पॉइंट बहुत याद रखने की बात है यहाँ पे कि ये 2.5% आपके इनकम में क्लब हो जाएगा, और अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हो तो उस स्लैब के अनुसार आपका टैक्स पड़ेगा, तो ये थोड़ा दिमाग में रखने की बात है। अगर आप मान लो 30% के स्लैब में हो तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी चला जाएगा इसके ऊपर, जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करोगे तो उसको डिस्काउंट करके आप एडजस्ट कर लेना है। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्टेड है, बस आपको मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ेगा, 8 ईयर्स का मैच्योरिटी होता है, 8 ईयर्स बाद तक अगर आप होल्ड करते हो तो आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जैसा कि बाकी इक्विटी और बाकी फिजिकल और ETF सब में देना होता है, इसमें नहीं देना होता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट, जब हम लॉन्ग टर्म कैप इसमें SGB को या तो हम मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हैं या कभी भी डीमेट में अगर है तो कभी भी एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं, लेकिन एक और गवर्नमेंट ने इसमें ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहते हो कि 5 ईयर्स तक मैक्स मिनिमम होल्ड करो, उसके बाद आप RBI को या बैंक को कांटेक्ट करो और वहाँ पे आप रिडीम कर सकते हो, तो अगर जब आप 5 ईयर के बाद रिडीम करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और उस पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, या फिर कभी भी आप 3 3 साल के बाद अगर एक्सचेंज पे भी बेचते हो तो वहाँ पे भी आपको लगेगा। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म में सेल करते हो, मान लो 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, तो आपको वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। ट्रेडेबिलिटी, यू कैन सेल इन सेकेंडरी मार्केट, अगर आप डीमेट फॉर्म में रखे हो तो, अगर आप बैंक के थ्रू पेपर फॉर्म में बाय किए हो तो आप उसको डीमेटेरियलाइज करा सकते हो, उसके बाद सेल कर सकते हो एक्सचेंज पे। कोलेटरल, अगर कभी आपको लोन लेने की ज़रूरत है तो इसको बैंक्स को कांटेक्ट करो, आप ये फॉर्म या SGB को प्लेज करके एज अ कोलेटरल रखकर आप फंड रेज कर सकते हो, लोन ले सकते हो उनसे एज अ गोल्ड लोन। कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें मैनेजमेंट चार्ज नहीं है जैसे ETF में होता है या फिर फिजिकल गोल्ड में भी मेकिंग चार्जेस होते हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी मैनेजमेंट चार्ज होता है, तो इस तरह का कुछ भी इसमें चार्ज नहीं है। आप इसको पर ग्राम के मल्टीपल में खरीद सकते हो, फॉर्मेट पेपर और डीमेट फॉर्मेट दोनों अवेलेबल है। मोड ऑफ पेमेंट,
पेमेंट कैश, चेक, डीडी, डिजिटल मोड, किसी भी मोड से आप खरीद सकते हो। तो हम अब इसे कंपैरिजन करेंगे फिजिकल गोल्ड कॉइन और बार से, एसजीबी और ईटीएफ में। तो इश्वर कौन होता है? फिजिकल में कोई भी हो सकता है, एसजीबी में आरबीआई होती है, और ईटीएफ में जो भी रिस्पेक्टिव एएमसी होती है, कोटक, एचडीएफसी, आईसी। टेन्योर फिजिकल में आप जब तक रखो कोई वैसा कुछ नहीं है, ईटीएफ में भी कुछ नहीं है। एसजीबी में टेन्योर 8 ईयर्स तक होता है, अगर मैच्योरिटी तक आप होल्ड करना चाहते हो। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 5th ईयर के बाद कभी भी बैंक या बैंक को जमा करके आप रिडीम कर सकते हो 5th, 6th, 7th ईयर में, और उसके पहले भी आप कभी भी एक्सचेंज पे सेल कर सकते हो। तो इसमें 6th ईयर तक बस वेटिंग पीरियड होता है, बाकी आप कभी भी 5th ईयर के बाद बैंक के पास और उससे पहले एक्सचेंज के पास कभी भी से रिडीम कर सकते हो। लिक्विडिटी बहुत ही लिक्विड है, कभी भी आप फिजिकल में जाओ ज्वेलर्स के पास और उनको आप सेल कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली अभी लॉकडाउन में देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। एसजीबी में थोड़ा लो है लिक्विडिटी, ये मैं एंड ऑफ द वीडियो एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा क्यों इतना लो है। एंड क्योंकि अगर आप बाय करने जाते हो तो आपको तो 1-2 महीने बाद आरबीआई ट्रांजेस लाते रहती है, तो आप उसके थ्रू बाय कर सकते हो। सेल साइड में थोड़ी सी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अप्रोक्स बहुत ज़्यादा ट्रेडेड टर्नओवर होता है ईटीएफ में, तो वहाँ पे तो लिक्विडिटी की इशू होती नहीं है। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट फिजिकल में भी आई थिंक 1 ग्राम के आसपास ही होता है, और एसजीबी में 1 ग्राम मिनिमम आप और मल्टीपल 1 ग्राम के बाय कर सकते हैं। ईटीएफ में बेसिकली होता है क्या कि ये एनएवी बेस्ड होता है। आप एएमसी जो है वो आपके व्याप में गोल्ड बाय करती है, लेकिन उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट के, मतलब एक तरह से जैसे म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है वही ये यहाँ पे भी ईटीएफ में, तो एनएवी बेस्ड होता है ये। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फिजिकल में कोई लिमिट नहीं है। एसजीबी में है लिमिट, 4 केजी पर इंडिविजुअल आप बाय कर सकते हो, या फिर एचयूएफ अगर हो तो 4 केजी आप बाय कर सकते हो। ईटीएफ में ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट पर ग्राम आप इंक्रीमेंट फिजिकल में भी आई थिंक कर सकते हो कॉइन और बार में, और एसजीबी में भी आप 1 ग्राम इंक्रीमेंट कर सकते हो मल्टीपल में, क्योंकि 1 ग्राम अवेलेबल है और इसमें एनएवी बेस्ड है। बैक्ड बाय फिजिकल एसेट, फिजिकल में तो फिजिकल ही हमें मिलता है, और एसजीबी में कोई भी हमारा फिजिकल गोल्ड जो है वो बैक नहीं करता, ईटीएफ में करता है और डिजिटल गोल्ड में भी करता है। उसके बारे में मैं किसी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है बिल्कुल। एक्सपेंसेस फिजिकल में कुछ नहीं है, एसजीबी में भी कुछ नहीं है। ईटीएफ में अराउंड 1% एक्सपेंस रेशियो होता ही होता है, ये डिफरेंट एएमसी के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, चेक करना होगा ये। टैक्सेस जीएसटी लगती है फिजिकल में, जब भी आप बाय सेल करने जाओगे 3% की जीएसटी लगती है। आई थिंक सेल करते समय 3% की जीएसटी लगेगी, बाय करते समय नहीं लगेगी। और एसजीबी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जीएसटी ना बाय ना सेल करते समय लगती है। ईटीएफ में भी लगती है 3% की जीएसटी। रिस्क ऑफ थेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में बहुत ज़्यादा कहीं के कुछ एरिया में चोरी वोरी होती रहती है, तो ये रिस्क होता है हमेशा फिजिकल होल्ड करने में, कभी भी चोरी हो सकती है। बैंक्स में भी कई बार सेफ नहीं होता है, लेकिन बैंक्स तो बहुत सेफ है वैसे तो, आजकल ऐसा कभी रिसेंट न्यूज़ नहीं सुना, फिल्मों में बहुत देखा है। एसजीबी में कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि बस ये एक पेपर है, पेपर गुम भी हो जाता है, चोरी भी हो जाता है, आप वो आपके पैन से लिंक है, आप ही जाकर रिडीम कर सकते हो। ईटीएफ में भी ये बहुत ही, चोरी का तो रिस्क है नहीं, बहुत कम रिस्क है इसमें भी। लाइव प्राइसिंग टू टेक अवेबिलिटी ऑफ वॉलेटिलिटी, एडवांटेज ऑफ वॉलेटिलिटी। फिजिकल में हम लाइव प्राइस तो देख नहीं सकते, एसजीबी में देख सकते हैं बट उतना वॉलेटिलिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते इसके लिक्विडिटी के कारण, क्योंकि अवेलेबल नहीं होते सेलर्स कई टाइम। ईटीएफ में होता है, ईटीएफ में आप गोल्ड अगर ट्रेड करना चाहते हो इंट्राडे पोजिशनल, तो ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये ईटीएफ। गोल्ड फ्यूचर्स भी होता है, उसके ऊपर भी मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एग्जिट सेलिंग इन मार्केट, जब भी आपको एग्जिट करना है मार्केट में जाओ सेल करो। एसजीबी में सेल इन सेकेंडरी मार्केट हमें एक्सचेंज पे जाके 6th मंथ बाद, ये हमेशा याद रखिएगा कि आप जब भी आपको इशू मिलती है, अलॉटमेंट मिलता है, तो आप 6 महीने तक आपको वेट करना, उसके बाद आप एक्सचेंज पे भी सेल कर सकते हो, और 5 साल के बाद तो आप
आरबीआई को डायरेक्ट सेल कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। सेल ऑन एक्सचेंज, ईटीएफ तो हमेशा बाय सेल एक्सचेंज ही होगा। इंस्टेंट रिडीम्पशन, यस इसमें नो है क्योंकि एसजीबी हम इंस्टेंट नहीं कर सकते, 6 मंथ वेटिंग पीरियड है। इसमें लिमिटेड लिक्विडिटी है, इंस्टेंट कर सकते हैं बट कई बार इक्विटी ईटीएफ में भी होता है कि लिक्विडिटी की कमी हो जाती है कुछ ईटीएफ में, क्योंकि बहुत सारे एमसी ने अब ईटीएफ निकाल रखे हैं। तो टॉप के जो भी एचडीएफसी कोटक आईसीआईसी वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ईटीएफ्स होते हैं, गोल्ड बीज ईटीएफ भी काफ़ी लिक्विड है। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स फिजिकल में भी हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मिलता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और एसजीबी में भी सेम है बिल्कुल। बस हम मैच्योरिटी पे अगर होल्ड करते हैं मैच्योरिटी तक 8 ईयर्स तक तो हमें बिल्कुल कोई टैक्स नहीं लगता, और ईटीएफ में भी सेम सिचुएशन है। फिजिकल में, मोड ऑफ होल्डिंग में, फिजिकल में तो फिजिकली में रखेंगे, एसजीबी में डीमैट और पेपर फॉर्म में रख सकते हैं, और ईटीएफ तो डीमैट फॉर्म में ही रख सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके लिए, इनको भी देखते हैं। जैसे रिस्क क्या होता है, एसजीबी में रिस्क सबसे ज़्यादा कैपिटल लॉस का ही है, और कोई ऐसा रिस्क दिखता नहीं है। कैपिटल लॉस मतलब कि क्योंकि हमें 8 ईयर्स तक होल्ड करना है, तो अगर 8 ईयर्स तक मान लो गोल्ड अंडर परफॉर्म किया, जो कि काफ़ी टाइम पास्ट में गोल्ड अंडर परफॉर्म भी करता है, इसके ऊपर भी मैं गोल्ड के पास्ट रिटर्न के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे अगर बात की जाए तो 2011 में हमने लास्ट डॉलर टर्म में ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद से अभी तक डॉलर टर्म में ऑल टाइम हाई नहीं बना है। लेकिन क्योंकि इंडियन करेंसी में बिल्कुल डिफरेंट होता है रिटर्न, तो इंडियन करेंसी में हम लोग 2011 के हाई के ऊपर भी पहुँच चुके हैं। एलिजिबल कौन कौन होता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इन सब। ज्वाइंट होल्डर्स अलाउ है, अगर आप 2-3 लोग मिलके फैमिली वाले बाय करना चाहते हो ज्वाइंट होल्डिंग भी कर सकते हो। माइनर भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसके कुछ कंडीशंस है लेकिन माइनर कर सकता है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम ही कर सकते हैं, मैक्सिमम की भी एक लिमिट डाली गई है कि 4 kg इंडिविजुअल की लिमिट है। हर फैमिली मेंबर 4 kg बाय कर सकता है, मतलब माइनर भी 4 kg और जितने भी माँ बाप हैं भाई बहन सब मिलके 4 kg ईच बाय कर सकते हैं, और पर ईयर की ये लिमिट होती है। नेक्स्ट ईयर आप फिर से 4 kg बाय कर सकते हो, एंड 20 kg ट्रस्ट के लिए। एश्योर्ड अलॉटमेंट इफ़ यू आर एलिजिबल, इसमें जैसे IPO में हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे लोगों ने IRCTC के IPO में बहुत लोगों ने अप्लाई किया, मिला किसी को नहीं, बहुत कम को मिला, जितनी शेयर अलॉट होने तो उतने ही अलॉट होंगे ना, लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं है। इसमें अलॉटमेंट तो मिलेगी, बस आप एलिजिबल हो, KYC सब कुछ डन हो जाएगा तो आपको मिलना ही है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 50 rupees का डिस्काउंट मिलता है अगर आप बैंक्स के थ्रू डिजिटल पेमेंट के मोड से पेमेंट करते हो, बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको 50 rupees का डिस्काउंट भी मिलता है। तो जो मैंने स्टार्टिंग प्राइस बताया था उसमें आप 50 rupees आपको कम देनी होगी। व्हेन यू रिडीम SGB आफ्टर 5 ईयर, जब आप 5 साल के बाद रिडीम करते हो, तो आपको जो रिडीमशन प्राइस है वो पिछले 3 दिन के बिजनेस दिन के एवरेज, सिंपल एवरेज से जो प्राइस निकलेगा 999 प्रायोरिटी वाली गोल्ड की, उसके प्राइस को आपको मिलेगा। मैच्योरिटी पे आपको कोई गोल्ड वोल्ड की डिलीवरी नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको इंडियन रुपीज़ में जो भी प्राइस चल रही होगी, लास्ट 3 डेज वाला फार्मूला वहाँ भी लगेगा। एंड यू कैन सेल SGB विच इज़ इन डीमैट फॉर्म, अगर कभी भी आप सेल कर सकते हो। 6 मंथ का वेटिंग पीरियड है, वो याद रखना होगा। इंटरेस्ट में कोई भी TDS नहीं लगता, जो हमें इंटरेस्ट पेड होता है वो आपको बैंक अकाउंट में आ जाएगा, आपको ITR फाइल करते समय वो डिस्क्लोज करना होगा और आपको उस पर टैक्स देना होगा। यू कैन बाय SGB थ्रू कैश अप टू, मतलब अगर आपको कोई भी बैंक्स नहीं है, अगर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, कोई भी डीमैट नहीं है, तो आप डायरेक्ट कैश में भी बाई कर सकते हो बैंक में जाके 20,000 तक। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप किसी को नॉमिनी बना सकते हो, बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, डीमैट खुलवाते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो नॉमिनी ज़रूर बना दें बाद में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने बताया था कि सेल करते समय कुछ इश्यूज आते हैं, तो उसका यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा एग्जांपल, आज सुबह कहीं मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, निफ्टी के लेवल से आप देख सकते हो, जब निफ्टी क्लोज हो गया तो उस टाइम की ये स्क्रीनशॉट है। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि
कि देर आर वेरियस रीजन वाई पीपल स्पेशली इंडियंस इन्वेस्ट इन गोल्ड टू मीट देयर फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल के लिए हम अचीव करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का गोल क्लियर नहीं होता है तो बाद में वो एक रॉन्ग रीज़न के कारण इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक अनसुटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में फंस के रह जाते हैं। जैसे कि SGB में, SGB में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि आप 8 ईयर्स तक होल्ड करोगे। मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होना चाहिए। अगर 8 ईयर्स से पहले आप सेल भी कर रहे हो, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो कम से कम 5 ईयर्स तक होल्ड करनी चाहिए। बहुत इमरजेंसी हो तब भी हमें एक्सचेंज पे जाके सेल करना चाहिए, नहीं तो आपको इसका कंप्लीट बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होता है उसके ऊपर ही मिलता है, मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं मिलता है। तो वो एक अच्छा खासा 2.5% का लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। 8 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो FD की रेट ऑलमोस्ट 2.5% पहुँच भी जाएगी, कोई डाउट नहीं है। FD की नहीं तो, लेकिन सेविंग की तो गारंटीड है कि सेविंग की तो ऑलमोस्ट 3.5 पहुँच चुकी है। 8 ईयर्स तक हो सकता है कि 2.5 के आसपास पहुंच जाए। तो इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही हमेशा SGB में पैसे डालना चाहिए। आप कम से कम 5 ईयर्स होल्ड करो, नहीं तो आप 8 ईयर्स तक मैच्योरिटी तक होल्ड करो। अगर आपको 5 ईयर के बाद कभी लगता है कि नहीं यहाँ से गोल्ड प्राइस डाउन जा सकती है तो आप 8 ईयर्स से पहले आप गवर्नमेंट को, बैंक को कांटेक्ट करके RBI को रिडीम कर सकते हो। ये सुबह की स्क्रीनशॉट है, गोल्ड फ्यूचर 45,644 रुपीज़ पे चल रही थी। वहीं पे मैंने कुछ SGB को वॉच लिस्ट में ऐड किया, 2 SGB को मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड किया। तो आप देखोगे कि इसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट 1500 डाउन चल रही है। मतलब अगर ये 10 ग्राम की वैल्यू होती है और ये 1 ग्राम की होती है तो इसकी 4500 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इसकी 4400 के अराउंड वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे अगर देखोगे बायर्स रेडी नहीं है इस प्राइस पे बाई करने के लिए। इस प्राइस पे भी 4400 पे भी रेडी नहीं है बायर बाई करने के लिए। वो बोल रहा है मेरे को 4372 पे बाई करना है और सेलर इस पे रेडी है। तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी का सेलर रेडी है कि मुझे यहाँ बेचना है, लेकिन कोई बेच खरीदने ही नहीं आ रहा है। तो ये इशू होती है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आपको बिड करके सेल करना होता है अगर आप एक्सचेंज पे सेल करने जाते हो। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे रेस कर रहा हूँ कि SGB में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम 5 साल का तो व्यू रखो ताकि आप RBI को जाके अच्छे वैल्यू पे बेचो। नहीं तो आप हमेशा मार्केट प्राइस से देखोगे 5% 10% तक डिस्काउंट में आपको बेच के निकलना होगा, ठीक है। और SGB बहुत सारे वॉच लिस्ट में भी ऐड होते हैं, एक्सचेंज से भी आप बाई कर सकते हो। उसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा डिमेरिट तो नहीं दिखा बाई करने टाइम, लेकिन बाई करने के टाइम भी कई बार प्राइस हमें अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ पे तो अच्छी ही मिल रही है बाई करने के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से, लेकिन अगर गोल्ड के चार्ट देखोगे तो वो थोड़ा बियरिश है और डाउन जाने के लग रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, जो भी इन्वेस्टर के लिए लिमिटेशन होता है वो एक ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी होता है। तो यहाँ पे ट्रेडर बेनिफिट उठा सकते हैं, बट बहुत केयरफुली होगा रहना होगा, क्योंकि जब सेल करने जाओगे तो आपको भी डिस्काउंट में सेल करना होगा। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा, कई बार होता है कि गोल्ड फ्यूचर्स में ब्रेकआउट आ जाता है बट यहाँ पे तब भी जो सेलर है बहुत नीचे की भाव पे सेल करने के लिए रेडी होता है। तो आप वहाँ पे बाई करके 1-2 दिन होल्ड करके बाद में सेल कर सकते हो। ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है बट बहुत कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना होगा आपको। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ हिट द डिसलाइक बटन। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट करें, फीडबैक दें, सजेशन दें अगर आपको कुछ सजेशन देना है। और आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो कीप काल्म एंड लेट द मनी वर्क फॉर यू। #पैसे को काम पे लगाओ। बाय बाय।